नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके आए, आज की इस वीडियो में हम आपको कोफ़ के राउटर की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो ऑडियंस में हमारे पास आते रहते हैं, उन सब का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। तो कौन कौन से सवाल हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज ये पूरी वीडियो पूरे 7 मिनट की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 6 पॉइंट हम आपको 6 मिनट में बताएंगे। जो पहला पॉइंट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फुल इंस्टॉलेशन। जी हाँ दोस्तों, 807WD2 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। किस तरह छत पे इसको लगाया जा सकता है, किस तरह इसमें POE इंजेक्टर लगाए जाते हैं, किस तरह उसे टेप किया जाता है, किस तरह उसकी लैन केबल जो है नीचे लाई जाती है और प्रॉपरली नीचे ला के किस तरह उसे पावर की जाती है और उस पावर में ऊपर से पानी ना आ जाए, उस वायर में कहीं छेद ना हो जाए, उसको अगर कहीं वायर में छेद हो जाता है तो उसमें पानी आ जाता है नीचे, उसे किस तरह से जो है नीचे लूप बना के जो है पानी को बाहर रखेंगे ताकि आपके शॉर्ट सर्किट ना हो। इस तरह से फुल सेटअप होता है और आप कुछ देख सकते हैं भी एंटीने की अलाइनमेंट वगैरह किस तरह से करते हैं, ये भी इस वीडियो में है। तो ये 1 मिनट के जो पार्ट है जिसमें इंस्टॉलेशन ने हमने आपको बताया। तो इसमें दोस्तों वाईफाई की सेटिंग किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाईफाई का नाम कहाँ से चेंज करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड चेंज करेंगे और इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। और दूसरी बात की जाए बैंड लॉकिंग की, तो बैंड लॉकिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे, वो भी आपको बताया है। इसमें एयरटेल और जियो दोनों के बैंड जो है प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको रीसेट करना है तो वो भी हम आपको देखो बता रहे हैं। इसमें जो पिन है उसे प्रॉपरली नाजुक तरीके से आराम से दबाइए या फिर आप सॉफ्टवेयर के तरीके से भी उसे देख सकते हैं आप किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें सिम चले जाती है अंदर तो क्या करें, किस तरीके से निकालें, आपको ये मेथड बताया है, ये देख सकते हैं साथ में वीडियो कहाँ से खोलेंगे आराम से और किस तरीके से सिम निकालेंगे वो भी आपको बताया है इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर मान लो आपका राउटर चल नहीं रहा है, सिम डिटेक्ट नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक नहीं करती है, इट मीन्स भी सिम डिटेक्ट नहीं हुई है। हाँ, अगर रेड लाइट ब्लिंक करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मान लो रेड लाइट नहीं चल रही है तो इट मीन्स भी आपका राउटर ख़राब है। तो आपको कोफ वालों को फ़ोन करना पड़ेगा कस्टमर केयर पर, वो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहाँ से आप बात कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आपको सर्विस मिल जाएगी। हो सकता है आपको वहाँ पे सर्विस सेंटर पे भेजना पड़े प्रोडक्ट, इस तरह से जो भी गाइडेंस है वो कस्टमर केयर वाले आपको बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें आईपी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे जाके जो है आईपी एड्रेस की सेटिंग आती है, जहाँ पे आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। DHCP का पूल भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आप इसका आईपी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स थी जिसके बहुत सारे सवाल थे, वो सारी आज हमने आपको मिनट के मिनट जो है सारी बताई है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंप्यूटर पे या किसी राउटर पे या मोबाइल पे इसे किस तरह से जोड़ते हैं या इसे एक्सटेंड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल पे वाईफाई का नाम आ जाता है, लगभग इसकी 25-30 मीटर रेंज है घर के अंदर, बाहर के लिए तो इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है। और आप मोबाइल पे जोड़ के या फिर अगर आप लैपटॉप पे जोड़ना है लैपटॉप पे वाईफाई पे जोड़ सकते हैं या फिर लैन केबल लगा सकते हैं। आपको तरीका बता रहे हैं किस तरीके से लगाते हैं लैपटॉप पे और इस तरह से मोबाइल और लैपटॉप पे सेटअप करते हैं। उसके बाद बात की जाए अगर मान लो किसी राउटर पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कोई भी राउटर जो न्यू परचेज है उसे आप खरीद के जो है सीधे वैन पोर्ट पे लैन केबल लगाइए, इजीली सेटअप हो जाता है और आपका चल पड़ता है। उसके बाद अगर POE किट की बात की जाए तो किस तरह से सेटअप करेंगे आप दे सकते हैं, ये ऊपर लगाएंगे और दूसरी जो एक्सटर्नल जो नीचे से हम पावर देंगे वो किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको हमने आज बताया है इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इजीली जो है पूरा सेटअप हो जाता है, वाईफाई टू मतलब लैन से एक्सेस करके जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टेस्ट रिपोर्ट की। तो हमने 2 दिन लगाए, बहुत सारे टेस्ट किए, LMR 300, LMR 200, कोएक्सल वायर 3+1 वायर, LMR 400, बहुत सारे टेस्ट किए हमने और सारी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा है भी हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते। हमने एक ब्लॉग बना रहे हैं, वहाँ पे सारे टेस्ट किए हैं और उसकी रिपोर्ट बना दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं, सारा कुछ उसमें लिखा रहेगा और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से जो है किस नेटवर्क पर किस तरीके से काम करता है। तो अब बात करें हम इसको सेटअप करने की, तो वो भी मैं आपको बताता देता हूँ, उसकी भी सेटिंग्स हैं मतलब ब्लॉग में किस तरीके से जो है कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। कुछ हमने इस तरीके से जो है टेस्ट किए, इसको आड़ा तिरछा और दूसरा एंटीना लगा के टेस्ट किया, बट उसमें ज़्यादा फ़र्क हमारे को मिला नहीं। इसका एंटीना और जो एक्सटर्नल LPT एंटीना या बाकी जितने भी एंटीना है वो मतलब बराबर ही काम करते हैं, मैक्सिमम
जो भी बोला जाए। हाँ, अगर दूर अगर दूर की नज़र में देखा जाए तो दूर लगाना होता है, फिर हो सकता है कुछ होए। हमारे यहाँ तो 500 मीटर के अंदर अंदर ही जो है सारे टावर हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या किया, इसका जो एक जो वाईफाई का एंटीना होता है, एक होता है इसका 4G का एंटीना। तो 4G के एंटीने को जब हम निकालते तो थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है, बट इसके अंदर एक ऑन बोर्ड एक 4G का एंटीना है, और इसका वाईफाई के एंटीना को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं LMR 300, 400 या जो भी वायर आती है कोएक्सल, और एंटीना हम जो इसका अपना एंटीना है या फिर जो है साथ में जो एंटीने हमारे आते हैं जो कि 4G एंटीना आते हैं, उसको वाईफाई से एक्सटेंड करके आप दे सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई, यानी कि इसका किसी वायर से एक्सटेंड हो सकता है वाईफाई भी। सो फ्रेंड्स, रिव्यू और कंपैरिजन की बात की जाए तो आपको मालूम है काफ़ी महीनों से राउटर देखा है मार्केट में, हमने सेल किया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है ख़रीदा है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आई। तो कंपेयर किया जाए बाकी सब राउटरों से तो ये राउटर सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा राउटर नहीं है जो वेदर प्रूफ हो और बाहर लगाया जा सके और मैक्सिमम कवरेज दे। जी हाँ दोस्तों, मीमो टेक्नोलॉजी के राउटर चाहिए तो ये मीमो टेक्नोलॉजी का है। इसमें एक इंटरनल एंटीना है 4G, एक एक्सटर्नल है, और बाहर लगा के ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें बैंड लॉकिंग है, तो सबसे सस्ते दाम में और सबसे बढ़िया क्वालिटी में आपको ये राउटर मिल जाता है जो कि बाहर लगा के आप प्रॉपरली चला सकते हैं। नॉर्मली इसका सेटअप आपको मालूम है 4000 के आसपास में पड़ जाता है। अगर आप दूसरे एंटीना लेना चाहते हैं या राउटर लेते हैं उसके साथ, तो आपको मालूम है कितना ज़्यादा खर्च हो जाता है, 6-7-8 हज़ार रुपये तक। तो इस तरह से दोनों का कंपैरिजन है और रिव्यूज़ थे हमारे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे से कोई सवाल आपका छूट गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसको अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे। इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ज़रा टाइम नहीं, मतलब 7-8 मिनट ही सपा होनी चाहिए। जिनको आज हम कवर करेंगे, पहले 10 सेकंड हो जाएगा तो पुनः ऐसे, फिर जब दूसरे हो जाएंगे दो करने मिले, फिर 3, 30 सेकंड, 4 और 40 सेकंड हुई गए, 50 सेकंड हुई गए, जब 60 हुई गए था यहाँ कर दिया, चाहे यहाँ कर दिया।